शांति शांति। आज की तारीख है 31/8/14 और आज टुडे रविवार होने के कारण हम अपने प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्त धारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 10/12/78 78 की मुरली है और आज की मुरली का शीर्षक है कि विस्तार को न देख सार अर्थात बिंदु को देखो। विस्तार को न देख सार अर्थात बिंदु को देखो। मीठे मीठे बाप दादा ने आज मधुबन निवासियों के ऊपर विशेष मुरली चलाई है। विशेष मधुबन की विशेषताओं का वर्णन करते हुए और मधुबन निवासियों का भी वर्णन करते हुए हम सभी बच्चों को बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी है। जिन शिक्षाओं को आइए हम सुनते हैं स्वयं प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे अव्यक्त मूर्तधारी मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा। तो बाप दादा कहते हैं मधुबन निवासी अर्थात मधुरता के सागर में सदा लहराने वाले। हाँ, सभी नोट भी कर सकते हो मधुबन की महिमा और मधुबन निवासियों की महिमा। तो सदा मधुरता के सागर में सदा लहराने वाले, फिर बाप दादा की विशेष कर्म भूमि चरित्र भूमि, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो नई दुनिया की स्थापना का कर्तव्य शुरू किया वह कर्म भूमि है प्यारा मधुबन, और चरित्र भूमि जो भी शिव बाबा के दिव्य चरित्र गायन में आए जिस पर श्रीमद् भगवद गीता बनी, तो वो चरित्र भूमि। फिर मधुर मिलन भूमि। हाँ, हम सभी मीठे मीठे बाप दादा से मंगल मिलन मनाने कहाँ जाते हैं, मधुबन में जाते हैं। तो मधुर मिलन भूमि या महान पुण्य भूमि, हाँ, जहाँ जाकर हम अपने पुण्य की गठड़ी को बांधते हैं, ऐसी भूमि के सदा निवासी कितनी महान आत्माएं हैं। मधुबन निवासी ऐसी भूमि में रहते हैं तो कितनी महान आत्माएं हैं। निराकार बाप को भी इस साकार भूमि से विशेष स्नेह है। ऐसे भूमि के निवासी स्वयं को भी सदा ऐसे अनुभव करते हैं। मधुबन अर्थात मधुर भूमि वृत्ति की भी मधुरता, क्योंकि मधु माना मद हनी, तो मधुर होता है वो। तो मधुबन अर्थात मधुर भूमि वृत्ति की भी मधुरता, वाणी की भी मधुरता और हर कर्म में भी सदा मधुरता। जैसी भूमि वैसी ही भूमि में रहने वाली महान आत्माएं, हाँ, सभी जो भी सतयुगी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, वो सब वहाँ पर निवास करती है। मधुबन से जो आत्माएं अनुभव करके जाती है वह भी क्या कहती है, मधुबन है संगम युगी स्वर्ग अर्थात स्वर्ग भूमि में रहने वाले। हाँ, जो भी शिवरात्रि आते हैं, नए जिज्ञासु आते हैं, या जो भी आज बाबा के स्नेह संपर्क वाले बच्चे भी आते हैं, तो मधुबन को देखते हुए कहते हैं कि ये तो संगम युग पर स्वर्ग है और
स्वर्ग में रहने वाले मधुबन निवासी अब भी स्वर्ग और भविष्य में भी स्वर्ग। हाँ, मधुबन निवासियों का एक इतना बड़ा भाग्य है कि वर्तमान भी स्वर्ग में रह रहे हैं और भविष्य भी उनका स्वर्ग में निवास। तो डबल स्वर्ग के अधिकारी कितने विशेष हुए, बाप दादा आज खास मधुबन निवासियों से मिलन मनाने आए हैं। तो बाबा पूछते हैं, स्वर्ग की विशेषता अथवा स्वर्ग का विशेष गायन क्या है? स्वर्ग का विशेष गायन है सदा संपन्न, अर्थात आप सभी जानते हैं कि क्या स्वर्ग की महिमा करते समय हम बच्चे वर्णन करते हैं, अर्थात बाबा कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु स्वर्ग के खजाने में, चाहे संगम युगी स्वर्ग या भविष्य का स्वर्ग, दोनों की ये एक ही विशेषता गाई हुई है। तो मधुबन निवासी अर्थात संगम युगी स्वर्ग निवासी ऐसी संपन्न स्थिति का अनुभव करते हो जिसमें महसूस हो कि हम सदा तृप्त आत्मा हैं। बाबा कहते हैं तो मधुबन निवासी ऐसा अनुभव करते हो कि संपन्न हो, यानी कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं मीठे मीठे बाप दादा के मधुबन रूपी स्वर्ग के खजाने में, जिससे ये महसूस हो कि आप तृप्त आत्मा हो। जैसे इच्छा मात्रम अविद्या के संस्कार भविष्य स्वर्ग में नेचुरल होंगे, वैसे मधुबन निवासियों के भी ये नेचुरल संस्कार हैं। अभी चेकिंग करते जाना है मधुबन निवासियों को, परंतु ऐसे नहीं कि बाबा मधुबन निवासियों के प्रति ज्ञान मुरली चला रहे हैं तो हम छूटे उससे, नहीं, हमें भी साथ साथ यही चेकिंग करनी है। स्वर्गवासी अर्थात इन सभी बातों में नेचुरल संस्कार हो। जो मधुबन में रहते हैं उनके तो नेचुरल संस्कार हो, लेकिन जो मधुबन में नहीं रहते हैं वह भी ये कमाल कर सकते हैं कि वह अपने संस्कार ऐसे नेचुरल बनावे। कोई भी पूछते हैं कि आप कहाँ के रहवासी हो, तो बड़े फलक से खुशी से कहते हो ना कि हम मधुबन निवासी हैं। मधुबन वासी की जैसे छाप लगी हुई है, साथ साथ जैसा स्थान वैसी स्थिति की छाप तो होगी ना। अब बाबा धीरे धीरे शिक्षा के ऊपर आ रहे हैं कि जैसा स्थान है तो वैसी स्थिति भी तो होगी, स्वर्ग में है तो स्थिति ऊंची ही होगी। तो बाबा कहते हैं वैसी स्थिति की छाप भी तो हर एक के पास अपनी होगी ना। जैसे कोल्ड स्टोर में जाएंगे तो जैसा स्थान वैसी स्थिति ऑटोमेटिकली होगी ना। जैसे बर्फ का जहाँ स्टोर हो, जहाँ बर्फ को रखा जाता है, अगर उस स्टोर में कोई प्रवेश करे तो वहाँ की स्थिति कैसी होगी? एकदम जाने से अंदर ठंडे हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि कोल्ड स्टोर में जाएंगे तो जैसा स्थान वैसी स्थिति ऑटोमेटिकली होगी ना। तो मधुबन की जो महिमा है ऐसे संस्कार बने हैं। जो मधुबन की महिमा बाबा ने आगे सुनाई तो बाबा कहते हैं ऐसे संस्कार बने हैं, चेकिंग करनी है, क्योंकि साकार रूप में लक्ष्य रूप सबके आगे मधुबन है। कॉपी सब मधुबन को करते हैं। मिसाल भी आदर्श कौन है, तो आदर्श मधुबन है।
तो मिसाल भी सभी मधुबन का उठाते हैं अपने जीवन के आदर्श के लिए। तो बाबा कहते हैं सभी ने लक्ष्य स्वरूप मधुबन को ही अपनी नजरों के आगे रखा है और सभी मधुबन को ही कॉपी करते हैं। किसी की भी स्थिति में हलचल होती है तो अचल घर मधुबन याद आता है कि मधुबन अचल घर में जाने से अचल हो जाएंगे। हाँ, यादगार तो है ही अचल घर का, लेकिन मधुबन जाने का संकल्प हर एक को क्यों आता है? क्योंकि स्थिति में जब हलचल आ जाती है तो समझते हैं कि मधुबन जाएंगे तो हमारी हलचल समाप्त हो जाएगी, हमारी समस्या सुलझ जाएगी और हम अचल स्थिति को प्राप्त होंगे। ऐसी भावना से और ऐसी शुभ कामना से इस पुण्य भूमि पर सभी आते हैं। जब अनेक आत्माओं की हलचल का साधन मिलने का स्थान अचल घर मधुबन है तो मधुबन में रहने वाले भी सदा अचल होंगे ना। हाँ, जब बाहर के बाबा के बच्चे जो सेंटर्स पर रहते हैं और जो अन्य अज्ञानी मनुष्य आत्मा जो भी आते हैं यहाँ पर आकर के अपनी स्थिति को अचल बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं जो मधुबन में रहने वाले हैं वो तो अवश्य ही स्थिति में अचल होंगे ना। ऐसी स्टेज अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शन कराने वाली होगी। बाबा कहते हैं अनेक आत्माओं को ये अचल स्थिति जो है वो उनका मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि मधुबन है लाइट हाउस। तो लाइट हाउस क्या करता है? सभी को रास्ता बताता है। तो सर्व सेवा केंद्रों को सहयोग देने वाले मधुबन निवासी हैं। बाबा कहते हैं सभी केंद्र के जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका हल लेने के लिए, सहयोग लेने के लिए, उसके समाधान के लिए कहाँ आते हैं? मधुबन निवासी मधुबन निवासियों के पास आते हैं, क्योंकि मधुबन निवासी सहयोग देने वाले हैं। सदा संकल्प वाणी अथवा कर्म में एक दो के सहयोगी हैं तो साथियों के भी तो सहयोगी होंगे ना। हाँ, जब बाबा कहते हैं संकल्प और वाणी कर्म में भी एक दो के सहयोगी हैं तो साथियों को भी तो सहयोगी साथियों के भी तो सहयोगी होंगे ना। सर्व बच्चों को एक वर्ष मिला है रिजल्ट निकालने के लिए। हाँ, बाबा ने कार्य दिया कि एक वर्ष आप लोगों को दिया जाता है तो अपनी रिजल्ट देखना। तो एक वर्ष में अब क्या परिवर्तन लाया है? तो एक वर्ष पूरा होने आया तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, मधुबन निवासियों से, कि अभी क्या परिवर्तन अपने में लाया है, जिसको दूसरे सुनने वाले भी स्वयं परिवर्तन हो जाए। हमारा स्व का जो परिवर्तन हुआ वो सुन करके उनको ऐसी प्रेरणा मिले, शक्ति मिले, जो वो स्वयं का परिवर्तन करे। जैसे कई बार देखा होगा कि कोई कोई आत्माएं जब अपना सच्ची दिल से, उमंग से, बाप के स्नेह से अनुभव सुनाते हैं तो अनुभव सुनते सुनते भी अनेक आत्माएं परिवर्तित हो जाती हैं। बाबा कहते हैं जब कोई आत्माएं बहुत सच्चे दिल से, उमंग से, उत्साह से, स्नेह से अपना अनुभव सुनाती हैं तो सुनते सुनते क्या होता है? अनेक आत्माओं का परिवर्तन हो जाता है। एक का परिवर्तन अनेक आत्माओं के परिवर्तन का साधन बन जाता है। तो ऐसा परिवर्तन हुआ है जो अनेकों को एक एग्जाम्पल रूप में हो।
यू एक्सपीरियंस, हाँ, ऐसे एग्जाम्पल बन के रहो, ऐसा परिवर्तन स्वयं का किया है। हाँ, बाबा चेकिंग की एक के बाद एक बातें बताते जा रहे हैं और मधुबन वालों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और उनको संपूर्ण बनाते जा रहे हैं। एक वर्ष में ऐसे कोई वंडरफुल अनुभव हुआ है? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई वंडरफुल अनुभव पूरे वर्ष में हुआ है? किस किस ने हाई जंप दिया? हाँ, किस किस को ऐसी प्रेरणा मिली और हाई जंप दिया? किसने लिफ्ट की गिफ्ट ली? हाँ, बाबा कहते हैं अनुभव सुनने के पश्चात किसने लिफ्ट की गिफ्ट ली, यानी हाई जंप से भी ऊपर तीव्र पुरुषार्थ करके स्थिति को प्राप्त किया। जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है। हाँ, जिस भी स्टेशन पे रखो, यानी जो भी चैनल पर अगर टीवी को रखो, तो क्या होता है? दृश्य स्पष्ट साफ दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं मधुबन भी क्या है? टीवी स्टेशन है। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं। हाँ, चारों तरफ वो सेट लगे हुए हैं। जैसे आजकल साइंस के साधनों के द्वारा संकल्पों की गति, हाँ, विज्ञान के साधनों के द्वारा, ध्यान से सुने, संकल्पों की गति, हाँ, हमारे विचार एक सेकंड में कितने आते हैं, कितने संकल्पम करते हैं, या मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने ऐसे साधन बनाए हैं। वैसे मधुबन निवासियों के संकल्पों की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। जितना एक सेकंड में संकल्पों की गति होती है, बाबा कहते हैं मधुबन निवासियों के संकल्पों की गति और साथ साथ मानसिक स्थिति, यदि हलचल की स्थिति है मेजोरिटी तो वो फैलेगी, और अचल स्थिति है तो वो फैलेगी, तो ये चारों ओर फैलती है। इसलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो, इसमें अलबेलापन न हो। कितनी गंभीर बात, मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को समझा रहे हैं। यदि कोई भी वृत्ति के अंदर विषय विकार का वाइब्रेशन अगर स्व के अंदर आया, तो फिर वह स्थिति का वायुमंडल, बाबा कहते हैं, चारों ही ओर फैल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अटेंशन हो अपनी स्थिति पर, अपने संकल्पों पर, इसमें अलबेलापन बिल्कुल न हो। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशेष संकल्प के द्वारा वाइब्रेशन फैलाना चाहे, तो इस एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। कितना देखो मधुबन निवासियों के संकल्पों की वैल्यू है। जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर ऑटोमेटिकली फैल जाती है, वैसे ये वाइब्रेशंस संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः ही फैल जाए। जैसे देखो एक अगरबत्ती को अगर जलाया जाए तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है, वैसे ही बाबा कहते हैं मधुबन निवासियों के संकल्पों की जो गति है वो ऑटोमेटिकली फैल जाती है और चारों ही ओर वो स्वतः ही, मतलब अपने आप फैलती है। मधुबन निवासियों की अब ये विशेष सेवा है। बाबा कहते हैं अब मधुबन निवासियों को ये सेवा करनी है। जैसे मधुबन में विशेष भट्टी करते हो तो वाइब्रेशन चारों ओर पहुंचते हैं ना। हाँ, मधुबन में भट्टी होती है तो तुरंत चारों तरफ
भट्टी का वायुमंडल बनना शुरू हो जाता है और सभी स्थानों पर भट्टी का आयोजन शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं वाइब्रेशन पहुंचते हैं ना, चाहे पत्रों द्वारा समाचार न भी जाए लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन मधुबन के बहुत सहज चारों ओर फैल सकते हैं। इतनी मधुबन निवासियों के संकल्पों में और स्थिति में शक्ति है। कारोबार है कर्म द्वारा कर्मणा सेवा। कारोबार है, कारोबार क्या है वो एक अलग टॉपिक है। कर्मणा द्वारा कर्म सेवा, कर्म द्वारा कर्मणा सेवा, लेकिन उसके साथ साथ मनसा सेवा की भी जिम्मेवारी है। बाबा कहते कारोबार तो करना ही है, परंतु कारोबार के साथ साथ कर्म के साथ साथ मनसा सेवा की भी जिम्मेवारी को ध्यान पर रखना है। बाप दादा तो वर्ष की रिजल्ट देखने आए हैं ना। हाँ, बाबा मधुबन वासियों से आज क्यों मिलने आए हैं? क्योंकि बाप दादा को मधुबन निवासियों को जो एक वर्ष दिया था होमवर्क, उसकी रिजल्ट देखनी है। जो सदा पास रहते हैं वो पास विथ ऑनर कहाँ तक बने हैं? हाँ, बाबा ये देखने आए हैं कि जो सदा पास रहते हैं वो कितने पास विथ ऑनर आगे बने हैं। जो महान आत्माओं के साथ रहते हैं, साकार में भी समीप हैं और स्थान भी महान है। महान आत्माओं के साथ रहते हैं, फिर साकार, साकार बाबा के भी समीप है और फिर स्थान भी महान है। ऐसी आत्माओं की प्रारब्ध क्या बनती है? हाँ, बाबा कहते कल्पना तो करो कि प्रारब्ध कितनी ऊंची, कितनी श्रेष्ठ बनती है। शास्त्रों में भी मधुबन की महिमा विशेष गाई हुई है। तो मधुबन निवासी हर बात में विशेष आत्माएं, हर समय कोई विशेषता दिखाने वाली हो। माना मधुबन निवासियों को ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम विशेष आत्माएं हैं, मधुबन निवासी हैं, तो हमारी हर समय कोई ना कोई विशेषता हर एक को दिखाई पड़नी चाहिए। जो भी ग्रुप आवे वो ये अनुभव करे कि मधुबन निवासियों में ये विशेषता थी। मधुबन स्वर्ग में हर आत्मा सदा तृप्त आत्मा संपन्न मूर्त थी। जो महिमा करे कि मधुबन स्वर्ग आश्रम में हमने क्या देखा कि हर आत्मा सदा तृप्त आत्मा थी और संपन्न मूर्त भी थी। इसका आधार है सदा एक लक्ष्य हो। अब कोई को प्रश्न उठेगा कि हम सदा तृप्त आत्मा, संपन्न मूर्त आत्मा कैसे बने जो सभी ये अनुभव करे? तो बाबा इसका जवाब दे रहे हैं कि इसका आधार है कि सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है, न कि लेना है। हम मास्टर दाता हैं, न कि हम लेवता हैं। ये करे तो मैं करूं, नहीं। बाबा कहते ये भी मत सोचो कि ये देवे तो मैं दूं, ये करे तो मैं करूं, ये दान दे तो मैं दान दूं। बाबा कहते नहीं, ऐसे किसको कॉपी नहीं करना है। नहीं, हर एक दातापन की भावना रखे तो सब देने वाले अर्थात संपन्न आत्मा हो जाएंगे। यदि प्रत्येक मधुबन निवासी भाई या बहन ये लक्ष्य रखे कि मुझे देने वाला दाता बनना है, मुझे
देना ही देना है। तो बाबा कहते हैं वह आत्मा, वह मधुबन निवासी संपन्न आत्मा हो जाएगी। संपन्न नहीं होंगे तो दे भी नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं जब तक संपन्न स्वयं को नहीं बनाएंगे तब तक दे भी नहीं सकेंगे। तो जो संपन्न आत्मा होगी वह सदा तृप्त आत्मा जरूर होगी, यानी संतुष्ट मणि होगी। तो तृप्त आत्मा पहले बनना है। अभी तक यदि इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, तो वो हमें तृप्त रहने नहीं देगी। मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है, ये पाठ उसको बिल्कुल पक्का हो, अनुभव में हो। जितना देना उतना लेना है। बाबा कहते जितना देते जाओगे अपने आप आपका लेना हो ही जाएगा। माना जो लेना है वो मिलता ही जाएगा, जो चाहिए उससे आप भरपूर होते ही चले जाएंगे। प्रैक्टिकल में लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला बनना है। लेने का लक्ष्य रख के देना नहीं है लेकिन दाता बनना है, मुझे देना है, तो ऑटोमेटिकली हम भरपूर और संपन्न होते जाएंगे। दातापन की भावना सदा निर्विघ्न, जिसमें दातापन की भावना है वो सदा निर्विघ्न रहेगा। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का वह अनुभव कराती है। ये देने की जो भावना है ना, वो हमें सदा दातापन, माना मैं भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, तो वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे और वह लक्ष्य है बिंदु। बाबा कहते इसके लिए क्या धारणा करो, एक ही लक्ष्य रखो, बिंदु। अब बिंदु के साथ कितनी सारी बातें जुड़ी हुई है। हाँ, मैं आत्मा बिंदु हूँ, मुझे आत्मा के परम पिता परमात्मा बिंदु है, यह ड्रामा बिंदु है, बीती हुई बातों को भी बिंदु लगाना है। और अगर मैं एक को याद करती हूँ, मेरा तो एक शिव बाबा, तो बिंदु के पीछे बिंदु बिंदु बिंदु, मैं जितने बिंदु लगाती जाऊंगी उतना मैं भरपूर अथक अटूट और भरपूर धन संपत्ति और जो कुछ भी मुझे चाहिए मैं उसमें संपूर्ण संपन्न भरपूर बनूंगी। तो प्रैक्टिकल में लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला बनना है। दातापन की भावना सदा निर्विघ्न, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति अनुभव कराती है। तो सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे और वह लक्ष्य है बिंदु। एक लक्ष्य अर्थात बिंदी की तरफ सदा देखने वाले, अन्य कोई भी बातों को देखते हुए न देखे। जो भी देखे वो क्या देखे, बिंदु देखे, रुकुटी के बीच में बिंदी देखे या बिंदु देखे, नजर एक बिंदु की तरफ ही हो। जैसे यादगार रूप में भी दिखाया है कि मछली के तरफ नजर नहीं थी लेकिन आंख की भी बिंदु में थी। हाँ, जैसे अर्जुन जब मछली को तीर लगाने गया तो उसका ध्यान कहाँ था, बस एकाग्र चित्त होकर वो घूमती हुई मछली की आंख में जो बिंदु थी उसकी ओर ही उसका लक्ष्य था। तो मछली है विस्तार और सार है बिंदु। तो विस्तार को नहीं देखा लेकिन सार अर्थात एक बिंदु को देखा। इसी प्रकार अगर कोई भी बातों के विस्तार को देखते तो विघ्नों में आते। अगर साइट सीन्स देखी या कोई की भी विस्तार की बातें देखी तो विघ्नों में आ जाते। और सार अर्थात
एक बिंदु रूप स्थिति बन जाती। जो सार को देखता यानी बिंदु को देखता तो उसकी स्थिति सार रूप बनती अर्थात फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लग जाती। तो उसका व्यर्थ बातों को भी बिंदु लग जाता, विस्तार को भी बिंदु लग जाता, कर्म में भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, स्मृति में भी बिंदु अर्थात बीज रूप स्टेज हो जाती। ये विशेष अभ्यास करना है। विस्तार को भी देखते न देखे, विस्तार को भी बाबा कहते हैं बिल्कुल न देखो, सुनते हुए भी न सुने। ये प्रैक्टिस अभी से चाहिए। बाबा कहते बहुत समय से जब प्रैक्टिस करोगे तभी यह धारणा होगी। तब अंत के समय में जब चारों ओर हलचल की बड़ी दुखदाई आवाज होगी, अति भयानक दृश्य होंगे, तब आप उसमें पास हो सकेंगे। अभी की बातें तो उसकी भेंट में कुछ भी नहीं है। अगर अभी से ही देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना ये अभ्यास नहीं होगा तो अंत में ध्यान से सुने, अंत में उस विकराल दृश्य को देखते एक घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जाएंगे, फेल होने की मार्क्स मिलेंगी। इसलिए यह भी विशेष अभ्यास चाहिए। ऐसी स्टेज हो जिसमें साकार शरीर भी आकारी रूप में अनुभव। बाबा कहते अभी अभ्यास करते करते लास्ट में ऐसी स्टेज बना दो कि आपका साकार रूप किसको दिखाई न पड़े, सब आपके साकार रूप में आकारी रूप को देखे, ऐसा उनको आकार अनुभव हो। जैसे आकार रूप में देखा कि साकार शरीर भी आकारी फरिश्ता रूप अनुभव किया ना, साकार बाबा को देखा हम बच्चों ने प्रैक्टिकल में, तो चलते फिरते कार्य करते आकारी फरिश्ता अनुभव करते थे ना, साकार बाबा में ऐसा अनुभव करते थे। शरीर तो वही था ना, लेकिन स्थूल शरीर का भान निकल जाने के कारण स्थूल शरीर होते भी आकारी रूप अनुभव करते थे। तो ऐसा अभ्यास आप सबका हो। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता रहे, लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली स्नेह संपन्न सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन का फैला हुआ हो, जिस भी स्थान पर जाएं तो ये फरिश्ता रूप दिखाई दे। कर्म कर रहे हैं लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो, कर्म और सेवा दोनों का बैलेंस दिखाई पड़े। जैसे शुरू शुरू में यह अभ्यास कराया था, कर्म भले बहुत साधारण हो लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम होते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आएगा जो कर्म साधारण होगा लेकिन देखने वालों को आकारी रूप नजर आएगा, फरिश्ता दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आएगा जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही हैं, कार्य साधारण और स्थिति अति श्रेष्ठ। जैसे सतयुगी शाहजादियों की आत्माएं जब आती थी तो वो भविष्य के रूप प्रैक्टिकल में देखते हुए आश्चर्य खाती थी ना कि इतने बड़े महाराजे और कार्य क्या कर रहे हैं, विश्व महाराजा और भोजन बना रहे हैं। शाहजादी जब आती थी किसी के तन में तो वो ये देख करके बड़ी हैरान होती थी,
वैसे ही आने वाली आत्माएं ये वर्णन करेंगी कि हमारे इतने श्रेष्ठ पूज्य इष्ट देव और ये कार्य कर रहे हैं, चलते फिरते इष्ट देव या देवी का साक्षात्कार स्पष्ट दिखाई दे, अंत में पूज्य स्वरूप भी प्रत्यक्ष दिखने लगेंगे। सुना सभी ने ध्यान से, अंत में पूज्य स्वरूप भी प्रत्यक्ष देखने लगेंगे, फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। जैसे कल्प पहले का भी गायन है अर्जुन का, साधारण सखा रूप भी देखा लेकिन वास्तविक रूप का साक्षात्कार करने के बाद वर्णन किया कि आप क्या हो, इतना श्रेष्ठ और वह साधारण सखा रूप। इसी रीति आपके भी साक्षात्कार होंगे चलते फिरते। दिव्य दृष्टि में जाकर देखे वो तो और बात है, जैसे शुरू में चलते फिरते देखते रहते थे, ये ध्यान में जाकर देखने की बात नहीं। जैसे एक साकार बाप का आदि में अनुभव किया वैसे अंत में भी अभी सब का साक्षात्कार होगा। ये साधारण रूप गायब हो जाएगा, फरिश्ता रूप या पूज्य रूप देखेंगे। जैसे शुरू में आकारी ब्रह्मा और श्री कृष्ण का साथ साथ साक्षात्कार होता था, वैसे अब भी ये साधारण रूप होते रूप देखते हुए भी दिखाई न दे, आपका देवी देवता रूप या फरिश्ता रूप देखे। लेकिन ये तब होगा जब आप सबका पुरुषार्थ देखते हुए न देखने का हो, आप अन्य का मतलब पुरुषार्थ न देखें कि वो क्या कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूं, नहीं। तब ही अनेक आत्माओं को भी आप महान आत्माओं का या साधारण रूप देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा। आंख खुले खुले एक सेकंड में साक्षात्कार होगा। ऐसी स्टेज बनाने के लिए विशेष अभ्यास बताया कि देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो, एक ही बात सुनो और एक बिंदु को ही देखो। विस्तार को न देख एक सार को देखो, विस्तार को न सुनते हुए सदा सार की सुनो, तब ये मधुबन जादू की नगरी बन जाएगा। तो सुना मधुबन का महत्व, अर्थात मधुबन निवासियों का महत्व। अच्छा, मधुबन एम्बॉडीज कंप्लीटनेस, मीठे मीठे सो द रेसिडेंट ऑफ बाप दादा का सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी सुनेंगे हम मीठे मीठे बाप दादा का वरदान। तो वरदान है आज का, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं, साक्षी होकर खेल देखने में मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करूं कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव जलते नहीं, ईर्ष्या के वश या द्वेष भाव के वश या उनकी प्रगति देख, उनके सुखों को देख, उनके शांति भरे जीवन को देख, अंदर में जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं।
इच्छा ओम ओम शांति।